हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं जॉब अपडेट। आज की अपडेट आ रही है भारत सरकार के प्रीमियम पीएसयू BEML की तरफ से। यहाँ पर भैया स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला हुआ है SC ST OBC वालों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, ये वैकेंसीज जो है यहाँ पे वो SC ST OBC वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। या डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट ऑफिसर या फिर मैं बोलूँ असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। कोई गेट वगैरह नहीं मांगा गया है, बहुत बढ़िया मौका है। जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भैया यहाँ पर आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी लगेगी। तो डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप SC ST या OBC वाले हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। जैसा कि मैंने बताया, BEML की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप ए के अंदर जो वैकेंसीज निकली हुई है, मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की और ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली हुई है, इनमें एक्सपीरियंस मांग दिया गया है ग्रुप ए की वैकेंसीज के लिए, जबकि ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। ग्रुप बी की बात करें तो असिस्टेंट ऑफिसर या फिर मैं बोलूँ असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। HR में 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है, सिविल में 2 वैकेंसी है, टोटल ST में यहाँ पर 9 वैकेंसीज निकली हुई है। और ग्रुप सी की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा 21 वैकेंसी निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल में 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वैकेंसी है, सिविल में 3 वैकेंसी है, टूल एंड डाई मेकिंग में सिंगल वैकेंसी है, केमिस्ट में सिंगल वैकेंसी है, SC में 21 वैकेंसी है और ST में 13 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। कुल मिलाकर टोटल 68 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए BE BTech डिप्लोमा अगर आप SC ST OBC वाले हैं तो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए में एक्सपीरियंस मांग दिया गया है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं ग्रुप बी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो ग्रुप बी में असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड 1 के अंदर जो वैकेंसी HR में 3 निकली हुई है, इसके लिए HR वाले अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम 2 साल का MBA किया हुआ है अपने HR में, या फिर सोशल वर्क में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या फिर 2 साल का फुल टाइम कोर्स अगर आपने IR में, HR में, लेबर लेजिस्लेशंस में किया हुआ है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर डिग्री है लॉ में तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने का है, 27 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। अब इम्पॉर्टेंट है मेंटेनेंस मैकेनिकल के अंदर जो वैकेंसी ग्रेड 1 के अंदर निकली हुई है, ग्रुप बी के अंदर है, 2 वैकेंसी है, डिग्री है मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 30,000 पर मंथ आपको मिल जाएगा परमानेंट जॉब के दौरान, 27 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी निकली हुई है, डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी क्राइटेरिया सेम है। उसी तरह सिविल में वैकेंसी निकली हुई है, डिग्री आपके पास सिविल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम ग्रुप सी के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है, यह भी परमानेंट जॉब होने वाली है। मैकेनिकल में 21 वैकेंसी है जिसमें मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में 70% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST वाले हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको परसेंटेज में यहाँ पर मिल जाने का है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, टूल एंड डाई मेकिंग में, केमिस्ट में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है 23,910 प्लस TA DE HR आपको मिल जाने का है, 29 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है
तो पहले यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, प्रोबेशन पीरियड में आप रहेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी 1 साल की, उसके बाद आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड या फिर कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा और 17,000 रुपीज़ पर मंथ और 19,000 रुपीज़ पर मंथ 2 साल का जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा तब आपको मिलेगा। और अगर आपका ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो परमानेंट जॉब S1 ग्रेड में लग जाएगी, 23,910 प्लस TADHRA मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर एज और क्वालिफिकेशन वगैरह देखा जाना है। एज ऑन 1/5/2023 तक आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा आपके हाथ में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें, फॉर्म भरने की फीस 500 रुपये रखी गई है OBC वालों के लिए, SC ST के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1st of May 2023, 1/5/2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। BEML की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई, जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।